दिखता नहीं है क्या? अंधा हो गया क्या? अबे अक्षय क्या कर रहा है? ब्रेक नहीं लगती तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथों शहीद हो जाता और क्या? अबे तू मांग के तो देख, कर ले, ऐसे ही जान दे दूंगा। तुम्हें कोई छूकर तो देखे यार, सारी दुनिया जला दूंगा। क्या बात है, आज बड़े मूड में लग रहा है, एकदम फिल्मी डायलॉग शलाग बोल रहा है। अरे तू भी सुनेगा तो तू भी भांगड़ा करने लगेगा। क्या बात है यार? हाँ तू भी भांगड़ा करेगा। हाँ करूंगा, लेकिन बात तो बता। ये पढ़। क्या बात है यार, लंदन यूनिवर्सिटी में हम दोनों का एडमिशन? एब्सोल्युटली हैरा धमाकेदार न्यूज यार, इस ड्रीम कम ट्रू यार। एब्सोल्युटली। पर यार पापा नहीं कर पाएंगे। मैं हूं ना यार, उनसे नहीं हो पाएगा वो। ए यार, ए दादी जिंदाबाद। यस दादी जिंदाबाद। एब्सोल्युटली। 1 2 3। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? पापा आजकल हायर स्टडीज के लिए बैंक भी तो लोन देता है। ओफो, इसके लिए कुछ समय चाहिए होता है ना। ये सब काम 2 दिन में तो हो नहीं जाएगा, और फिर लंदन इतनी एक्सपेंसिव जगह है, वहां रहना, वहां खाना, और न जाने क्या क्या खर्चे होंगे वहां पर। हेलो। हाँ दादी। क्या अभी आऊं? उन्हें भी लेकर आऊं? अच्छा ठीक, चलिए दादी ने बुलाया, इमरजेंसी है। चलिए। अक्षय। हाँ दादी। ये राहुल और हरीश अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे, लो आगे। ए डूड। हे नमस्ते। नमस्कार दादी, कैसे हो? तेरी उम्र बहुत लंबी हो पुत्र। नमस्ते माजी। खुश रहो। शीला जी। माजी मिठाई लाओ। वाओ। आज तो बेटे बहुत खुशी का दिन है, मेरे दोनों पोते लंदन जा रहे हैं। लीजिए मिठाई। नहीं 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 नहीं, हरीश बेटे ये पैजामे की तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ? अरे बेटा आज तो तुझे खुशी के मारे भांगड़ा करना चाहिए। यस। माँ जी, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि राहुल और अक्षय लंदन जा रहे हैं एमबीए कर रहे हैं। मगर ए अपनी मगर शगर तू अपने पास ही रख, इस खुशी के मौके पर यूं मुंह बनाए खड़ा है। मैं जानती हूँ तुझे पैसों की फिक्र है ना। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। अरे मरे आपके दुश्मन माजी, पर अंकल राहुल और मैं बचपन के दोस्त हैं। भाई है मेरा राहुल। हाँ? सीनियर केजी से लेके आज तक हम कभी बिछड़े हैं? दादी बा मुझे कुछ पता नहीं, राहुल मेरे साथ चलेगा क्यों? ऑफ कोर्स। माँ जी मैं जानता हूं कि आप राहुल को बहुत प्यार करती हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका यह एहसान। ये एहसान वहसान की बातें करके मुझे सेंटिमेंटल मत बना, समझा? इनके जाने की फौरन तैयारी शुरू कर दे, और हाँ एक बात इन्हें समझा देना, वहां जाकर ये सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, कहीं और नहीं। अरे तू है ना दादी, तुम्हें छोड़ के कहीं और देख सकता हूँ मैं? दारी माम एमबीए कर रहे लंदन जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं। ओ चुप, एमबीए करने से बच्चे बड़े नहीं हो जाते, माँ बाप के लिए छोटे ही रहते। मेरी दादी माम। No, it's mine. It's mine. It's mine. It's mine. I told you, it's mine, mine, mine. It's mine. Huh? It's yours. Hey, don't take that. Hey,
अरे क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो? अरे क्या कह रहे हैं आप यार, अजीब देश है यार, सब लूट लिया, मेरा वॉलेट लूटा, मेरा चेन लूटे, साली 10 रुपए की चीज छोड़ गए वो। रिलैक्स रिलैक्स, उसके पीछे भागोगे तो खुद ही फंस जाओगे। और ऐसी लड़कियों के पीछे बहुत बड़ा गैंग होता है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओके चलो टेक केयर। ओके कूल। हे थैंक्स। अक्षय अक्षय मीट जॉनी। जॉनी इंग्लैंड या, शॉर्ट एंड स्वीट। काम 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 काम। ये आ गया सेक्सी परमिंदर का घर। चलो कम आओ आओ। जॉनी इंग्लैंडिया। यस जॉनी इंग्लैंडिया, द किंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लंदन इंग्लैंड। ले आए अपने कबूतरों को। गुड आओ, न्यू कबूतर्स, व्हाट डन लंदन। आओ मैडम, ये है राहुल, ये है अक्षय, कूल डूड्स। हेलो हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। शक्ल सूरत से तो आप दोनों अच्छे लगते हैं, यहाँ के कायदे कानून समझा दिए ना इन्हें? इनके भेजे में सब कुछ डाल दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने अपने हस्बैंड को निकालने में 2 मिनट की भी देरी नहीं की। हस्बैंड को निकाल दिया, क्यों? नो क्वेश्चंस। राहुल, दूसरों की प्रॉब्लम्स में टांग नहीं अड़ाते। मैडम जो कह रही है ठीक कह रही है, आप वैसे करो जैसे मैडम कह रही है। तुम्हारे कमरे के सामने खिड़की है ना, ये कभी नहीं खुलेगी। क्यों? डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, ये बंद है और बंद ही रहेगी। रेंट का खर्चा एडवांस में और खाने पीने का खर्चा अलग। ओके मैडम, उसकी चिंता मत करो, पैसे मैं एडवांस में ले चुका हूँ, ये देखिए आपके पाउंड्स। माय नेम इज जॉनी इंग्लैंडिया। थैंक यू। हाय मॉम। हाय कैंडी। हाय जॉनी। हाय बेटा, ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं, ये है राहुल, ये अक्षय। जॉनी तुम ले जाके इनको इनका कमरा दिखाओ। कमरा बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है, पीछे के गार्डन भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। मेरा दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई। तुम्हारी अक्षय। अक्षय ये क्या कर रहे तू? कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अबे भूल गया एयरपोर्ट पे जॉनी ने क्या कहा था? कैंडी की अदाओं से बचना इतना आसान नहीं है जॉनी। और जॉनी की क्या बात है, वो तो हमेशा मेरे शो में आके राल टपकाता रहता है। हाँ जी हाँ जी। ऐसी कैंडी जी, फिलहाल हम आपका शो बाद में देखेंगे, हमें लंदन घूमना है, फिरना है, किसी को ढूंढना है। यो keep on moving, keep on grooving. There are a lot of women on the floor. There are all cuties, all are beauties, but ain't no one like her. प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, वैसे तो है ये चांस की बातें। प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, वैसे तो है ये चांस की बातें। प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, वैसे तो है ये चांस की बातें। लड़की हजारों यहाँ हमने देखी है उस जैसी, लेकिन कहाँ सांवली सी ये नहीं, गोरी वाली वो नहीं, भोली भाली ये नहीं, वो है कहाँ। प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, वैसे तो है ये चांस की बातें। प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, वैसे तो है ये चांस की बातें। लड़की हजारों यहाँ हमने देखी है उस जैसी, लेकिन कहाँ सांवली सी ये नहीं, गोरी वाली वो नहीं, भोली
संभाली ही नहीं, वो है कहाँ। चेहरा है उसकी बातें निराली। परियों जैसा वो चेहरा है उसकी बातें निराली। एक झलक में चुपके से दिल ले गई मेरी वाली। कहाँ कहाँ ढूंढूं अब उसको, कहाँ कहाँ ढूंढूं अब उसको, नाम पता ना जानू। कहीं से आ जाए वो चुम से मैं उसे पहचानूं। वो जो चले झूम के तो लगे झूमने ये जमीन आसमान। चश्मे वाली ये नहीं, नखरे वाली वो नहीं, पैंट वाली ये नहीं, वो है कहाँ। जैसे बाल है उसके, हिरनी जैसी आंख, रेशम जैसे बाल है उसके, हिरनी जैसी आंख। उसकी याद में जागूं मैं तो सारी सारी रातें। वो मिल जाए तो बन जाए, वो मिल जाए तो बन जाए अपनी प्रेम कहानी। नाम ही लिख दी मैंने अपनी सारी जवानी। उसकी अदाएं हैं जादू भरी, हम जवान हैं ये दिल भी जवान। मोटी मोटी ये नहीं, छोटी छोटी वो नहीं, लंबी लंबी ये नहीं, वो है कहाँ। मैं तुम्हारे लिए क्या निपल निपल नहीं, इधर देखो नीचे देखो ये मैं क्या लेके। अरे यार तू तो कहता तेरे पास है मर्ज की दवा है, ये तो दारू है। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी पी। लेकिन हम दारू नहीं पीते। मत पियो। वो क्या है कि अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो जो अपनी तीसरी वाइफ है ना, वो घर में दारू पीने नहीं देती। शॉर्ट एंड स्वीट। तीन तीन बीवियां। देखो भाई, इस दुनिया में लोग एक मिनट एक बीवी को नहीं झेल सकते, और अपने को देखो तीन तीन बीवियों को झेल रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन पहले दो बीवियों का क्या हुआ कि तीसरी की जरूरत पड़ गई। ये क्या पंगा है, रोज दारू पी के अपनी बीवियों का लफड़ा लेके बैठ जाता है। दारू पी रही है कि पेप्सी पी रही है? तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो रोज का काम हो गया है, दारू पी के अपना घर भूल जाता है और फिर दूसरे का दरवाजा खटखटाता है। हेलो, ऐसे में कौन सी बीवी तेरे साथ टिकेगी। ए, तुम दोनों का ग्लास किधर है? हम दारू नहीं पीते। अच्छा, तो तुम दोनों बच्चों के लिए दूध की बोतल लाऊं? चलेगा, मैं भी दूध पीऊंगा। शट अप जॉनी। व्हाट डन लंडन। ओह कम ऑन, देर हो रही है। बेटा बैग को डिक्की में रख दो। हाँ यस मॉम। Ooh, what a nice weather.
गुड मॉर्निंग आंटी जी. गुड मॉर्निंग. हाय कैंडी, हाउ आर यू? सच दूर फाइन. कहीं बाहर जा रही है आप? हाँ, मैं आउट ऑफ लंदन जा रही हूँ फॉर 15 डेज, किसी की शादी में. वाओ, आप शादी में जा रही हैं? जाना चाहिए. जाना चाहिए ना. जाना चाहिए ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जरा. हम हैं ना, सब देख लेंगे. और मैं हूँ ना, इन दोनों को देख लूंगी. ओके ओके राहुल, बाय अक्षय. मैं मॉम को जरा एयरपोर्ट छोड़कर आती हूँ. बाय बाय. और हाँ, एक बात याद रखना, नो मस्ती नो शरारत, और खिड़की के पास बिल्कुल नहीं जाना. नहीं जाएंगे. थैंक यू. बाय बाय बाय. ऑल राइट, बी गुड. तोर अप लेफ्ट तोर राइट लेफ्ट तोर अप लेफ्ट तोर राइट लेफ्ट तोर राइट लेफ्ट तोर अप. हाय हाय, क्या नजारा है यार. छोटे छोटे कपड़े, गोरे गोरे गाल. देखो उन जलपरे को कैसे पानी में तैर रही है. अब समझ में आया परमिंदर आंटी ने इस खिड़की पे सेंसर क्यों लगाया है. अरे यार क्या नजारा है. पर यार इतना दूर से देखने में मजा नहीं आ रहा. एक सेकेंड. तेरे पास तो जॉनी की तरह हर मर्ज की दवा यार. हाँ. मुझे भी देना. अरे अरे यार देखने दे. अरे मुझे भी देना यार. तुम लोग वॉचमैन, मैनेजर को भेजो. वो लड़का देख रहा है ना, उसको बुलाओ. एक कबाब में हड्डी कौन आए यार. यस, जस्ट कॉल हिम. प्लीज कम, मैडम ने बुलाया आपको. हु मैडम? शिल्पा इज आवर हेल्थ इंस्ट्रक्टर. प्लीज कम प्लीज. ओके यू रिलैक्स यार, आई विल सेंड हिम. इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. ओके आई विल सेंड हिम, यू प्लीज गो. ओके. तुम तो वही हो ना जो उस दिन लड़की के पीछे भाग रहे थे, और आज खिड़की में से छुप छुप के लड़कियों को नहाते देख रहे हो. तुमको शर्म आनी चाहिए. मुझे हाँ आ रही है, मगर मगर तुम्हें मालूम है कि परमिंदर आंटी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, और ये खिड़की कभी नहीं खुलेगी. तुमने हमारे रूल को तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलेगी. जो चाहे वो सजा दे दो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं मैडम. लेकिन मैं किसी लड़की को नहीं देख रहा था. वो गलती से मेरे हाथ से खिड़की खुल गई, मेरा दोस्त पीछे पड़ गया, वो बायनोक्युलर लेके वो देख रहा था, लेकिन मैं उसको समझा रहा था कि मैं. चलिए मैडम, मैं आपको समझाता हूं. मैडम क्या एक्चुअली हुआ. क्या कर रहे हो ये? तो मैडम ने इसकी बैंड बजा दी है. क्या हुआ क्या? क्या हुआ अक्षय? अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल. अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ. क्या कहा उस मैडम ने? वो मैनेजर तुझे क्यों लेकर गया था? अरे वो मैनेजर नहीं था यार, मेरे प्यार का फरिश्ता था, यू नो, एंजल ऑफ लव, और मेरे सपनों की रानी वही यार, अपनी एयरपोर्ट वाली. अच्छा, एयरपोर्ट वाली. हम दोनों मिले जुले, एक दूसरे में घुले, वो मेरी बाहों में समा गई, मैं उसके जुल्फों में खो गया, वो मेरे सांसों में घुल गई, मैं उसके पलकों में सो गया. वाह 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 वाह, तू तो एक दिन में शायर बन गया यार. क्या शायरी करता है तू तो. पूछ मत यार, उसके बाद हम डिस्को गए, नाचे गाए झूमे घूमे,
आंखों से आंखें मिली, होठों से क्या तूने उसको किस किया? उसके बाद बहुत कुछ हुआ यार, लेकिन सेंसर काट देगा रे। एक बात कहूं, तू जब झूठ बोलता है ना तो बहुत प्यारा लगता है। मतलब मतलब क्या है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ? अच्छा ठीक है, तेरी हर बात मान। कब मिला रहे तू मुझे उससे? कभी भी यार, कल परसों। कल कल डन। वो आएगी तुझसे मिलने। क्या बात करता है, कच्चे धागे में बंधी चली आएगी रे मेरी सरकार। इतना यकीन है तुझे उस पर? अच्छा ठीक है, तूने उसका नाम क्या बताया? नाम नाम शिल्पा, शिल्पा नाम है उसका। अच्छा तो हम कल शिल्पा से मिल रहे हैं ना? बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स। डन डन। ठीक है, मैं एक मिनट में आता हूं। हेकू नंबर वन है साला। अक्षय यार, जहां भी जाता है गर्ल्स जस्ट फॉल फॉर हिम। वो आएगी? नहीं आएगी। वो आएगी? नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ वो आएगी। अरे नहीं आएगी। आ गई। हाय अक्षय। हाय शिल्पा, हाउ आर यू? मीट माय फ्रेंड राहुल। ओह हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक्स अ लॉट स्वीट, इट्स ब्यूटीफुल। या श्योर, थैंक यू। अबे तेरा बर्थडे तो दिसंबर में, अप्रैल में कहां से आ गया? क्यों वोट आने के लिए बर्थडे कभी भी शिफ्ट करना पड़ता है। ओह या या या। ओह या। हाय शिल्पा। हाय रीटा। हाय रीटा, ये अक्षय है, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मैं कुछ मदद करूं? मैंने कुछ सहेलियों को भी बुला लिया है, रीटा, शीला, हर्षा, डिंपल एंड प्रियंका। बहुत सारी यार। वेल वेलकम एवरीवन। वेटर गेट द केक। यस। मैच बॉक्स। केक काटेगा। प्लीज अक्षय। फ्रेंड्स, अक्षय की तरफ से आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए और जिसको जो खाना है प्लीज ऑर्डर कीजिए, है ना अक्षय? Why not? Why not? Please order. 4 chicken burgers, please. 8 pizzas. French fries. Toast chicken frankie. 10 ice creams. Yeah. Fish and chips. Yeah. 10 hot dogs. Bus? Job. Please get them fast. यार घर में खाना बनाते हैं कि नहीं ये लोग? Please carry on. Thank you. Thank you. अबे बली के बकरे, तुझे हलाल करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है इन लोगों ने, जेब में इतने पाउंड है कि नहीं देख। Excuse me, I'll be back in a moment, please. अरे कहाँ जा रहे हो? लग गए। Please come soon. Hi, Mr. Jones. How are you? How are you? I'm good. Well, I'm at the table and I've got some guests on me. So it's my birthday and some of the girls have come in to party with me. Yeah. तो क्या है, मैं मेरा वॉलेट घर पे भूल गया हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। तो अगर ये दिस गोल्ड, दिस इज आल्सो गोल्ड, इफ यू कैन कीप दिस, मैं कल सुबह आके पैसे देके ये वापस ले जाऊंगा। ओके या आई ट्राई, लुक्स गुड इनफ। या अक्षय ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सब कुछ ठीक हो गया? परफेक्ट। घरे 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 नी नी
अरे वो गया था ना। हाय शिल्पा। हाय नेहा। हाय। हैप्पी बर्थडे। ए बर्थडे बॉय। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। शिल्पा मुझे जाना होगा, सॉरी गाइस। अरे अभी तो आप आई हैं। एक्सक्यूज मी। आपको याद है हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, एयरपोर्ट पे टकराए थे एक दूसरे से। हाँ हाँ टकराए थे। आप कुछ खाएंगी? नो थैंक यू, थैंक यू। शिल्पा मुझे बड़ी मुश्किल से इतना ही वक्त मिला है, आई एम सॉरी, जाना होगा। ओके फिर मिलेंगे, टेक केयर। आउच सॉरी, बाय। मैं अभी आती हूँ। हाँ अभी? हाँ एक बार मुड़ के देख यार, मुड़ जा। अक्षय मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल। प्लीज डोंट माइंड। हाँ आई डोंट माइंड। पार्टी जरूर तुम्हारा है लेकिन पार्टी मेरी तरफ से। ए नहीं नहीं नहीं, कम ऑन यार। प्लीज इसे रख लो। आज हमारी दोस्ती का बर्थडे है, ओके? थैंक्स अ लॉट। ओके। नजर में दिल निसार हो गया, पहली नजर में दिल निसार हो गया, रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया, रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया। जीना दुश्वार
तुमसे प्यार हो गया। रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया। पहली नजर में दिल निसार हो गया। मेरे दिल पे तेरा इख्तियार हो गया। रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया। ये तो क्या काम से? क्या हुआ इसे? इसे नेहा फीवर। क्या मतलब? अरे यार, ये नेहा की पहली नजर का शिकार हो गया है। रफ्ता 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 इसे भी प्यार हो गया है। क्या ये सच है राहुल? बिल्कुल सच है। मैं नेहा का दीवाना हो गया हूँ। प्लीज मुझे उससे मिला दो ना। लेकिन एक बात याद रखना, हाँ, उसके अंकल बहुत खतरनाक है। क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा की और मेरी दोस्ती क्लब में हुई थी। वो एक अरबपति लड़की है। तो हमारी दादी भी अरबपति है। प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। तुम प्लीज नंबर दो ना। अरे मोबाइल तो घर पे है। बाद में दे दूँगी। अरे यार देगी यार, बिल्कुल देगी। पक्का? चलो। ओके। चलो लेट्स गो। थैंक यू। चलो। हेलो, कौन? नेहा। नेहा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। उस दिन पार्टी में मिले थे। राहुल, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? शिल्पा से। नेहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना मत करना प्लीज। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, वो भी एक ही मुलाकात में। प्यार होने के लिए एक पल भी बहुत होता है। राहुल, तुम सपने देख रहे हो। सपनों को हकीकत में बदलना आता है मुझे। मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। राहुल, लगता कोई आ रहा है। हेलो नेहा, नेहा बताओ ना, कहाँ मिल रही हो? अच्छा ठीक है, कल शाम को क्वीन शॉपिंग मॉल विंसर। ठीक है, ओके बाय। मोहनी सूरत मन में बसी है, हो गई मैं बावरिया। कौन डगर है मुझको जाना, ना ही कोई खबरिया। फिर हमें दूरी हर पग मजबूरी, नैनों की डोरी करे मन की चोरी। जब तक ये दिन रात चले, हर पल तेरी बात चले। मैं तो पी के सिवा कुछ ना जानू, मैं तो पी के सिवा कुछ ना जानू। हो गई उसी की लागी लगन मोहे, लागी लगन मोहे, लागी लगन मोहे, लागी लगन, लागी लागी मोह, लागी लगन पी की लगन, लागी लागी सखी रे, लागी लगन मोह पी की सखी रे। ना ही खबर अब किसी की, लागी लागी लगन मोह पी की सखी रे। ना ही खबर अब किसी की। अच्छे पियो, खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। अरे भाई, yes, sir. एक ग्रीन सलाद लेकर आना। हा? हरी मिर्ची डालकर शॉर्ट एंड स्वीट। यार तू मिर्च बहुत खाता है यार। तीखा खाओ, मीठा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। एब्सोल्युटली। हेलो, अरे मैंने बोला ना, मैं आई टोल्ड यू ना, नेक्स्ट वीक आई विल पे। अब एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में। चीज Feeling sexy.
Sorry. What is this? I'm sorry. Extremely sorry. Wait, my shirt gone, my jacket gone, and you say sorry? I'm sorry. Sorry. What do you mean by sorry? मैं किसी का पीछा कर रहा था. मैं क्या करूँ? और जल्दी मैं था, disbalance हो गया हूँ. My shirt. I'm a police officer. You see? तुम पुलिस ऑफिसर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो या चपरासी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जगह तुम्हारे बाप की जागीर है. You know? This is London. What done? London. Hey, smoking is dangerous to health. देखो यंग मैन, तुम इस वक्त जरा नशे की हालत में हो, वरना बॉबी गरेवाल से इतनी बहस भी तुम्हें बाद में देख लूंगा. See you. Hey, what do you mean by that? See you, F you. Excuse me. देखो तुम जैसे दो टके के पुलिस, दो टका तो हिंदुस्तान में होता है. तुम जैसे टू पेनीज वाला पुलिस ऑफिसर बहुत देखा है मैंने. अंडरस्टूड? कौन दो टके का है और कौन कितने पेंस का है, ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा बेटा. टेक केयर. यू टेक केयर. ओ गॉड, माय गॉड, ये क्या, मेरी पूरी की पूरी वोडका पी गया और मेरे हाथ में शरबत का गिलास दे दिया? क्या टू पेनी मैन? नहीं, ये टू पेनी मैन नहीं है, यहाँ का इंस्पेक्टर है. सात शैतान मरे थे उसके बाद इसने जन्म लिया था. और ये लंदन की पुलिस बड़ी खतरनाक होती है, मारती ही नहीं है, करंट देती है. अब तो ये पूरा मेरा बैंड बजा देगा शॉर्ट एंड स्वीट. Get the bags, okay, please. Come on, guys. I love you, Neha. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरी मजबूरियाँ क्या है? मेरा अतीत क्या है? मेरा पास्ट क्या है? मैं कुछ नहीं जानना चाहता. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है. मैं तुम्हारा दीवाना हूँ नेहा. तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता. राहुल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं नेहा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो. नहीं, नेहा, तुम नहीं समझोगे. एक बार मेरी बात सुन लो. नो, नो, छोड़ो. प्रेम तो है एक अग्नि सागर, डूबी जिसमें जवानी. आग हो आंधी हो या तूफान, क्या देखे दीवानी. फिर मारा मारा होके बन जा रहा, कहलाए बेचारा फिर भी है किनारा. हेलो, ओ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कौन हो तुम? इडली डोसा हो, दाल बाटी हो, मछली भात हो या हैदराबादी बिरयानी हो, कौन हो तुम? नहीं सर, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी. आओ. वो तो मैं देखकर ही तुम्हें समझ गया था. आप हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं. अरे मैं हिंदी नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? अरे भाई मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, बॉबी गरेवाल नाम है मेरा. और यहाँ की
क्राइम ब्रांच से ताल्लुक है मेरा। क्या हुआ, ये क्या हुआ, चोट कैसे लगी? वो पता नहीं, कुछ गुंडे थे शायद। गुंडे थे शायद, लूटना चाहते थे, शायद आपको देख के भाग गए। सच कह रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा। अरे चलो भाई, तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ। देखो तुम्हें काफी चोट आई है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। नहीं सर, आई एम फाइन। ओह, कैन आई लीव? यस ऑफ कोर्स, यस, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस थैंक यू। भाई जान, ये तो दिल दा ही मामला लगता है, इश्क जे मुब्तला है। रिलैक्स यार अक्षय, प्यार करने वालों के साथ दुनिया ऐसी सलूक करती है। अबे यार, ये मजनू की तरह बोलना छोड़ दे। और हाँ, तुझे कोई ऑफिसर मिला था, तू कह रहा था पुलिस ऑफिसर, तो उसे कंप्लेंट क्यों नहीं की तूने? रिपोर्ट करके मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहता। काश उसे भी तेरा ख्याल होता। यार मेरा जो होना हो तो हो गया, प्यार के रास्ते में ऐसे एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा एक बात बता, तेरे प्यार की गाड़ी कहाँ तक पहुंची? चल रही है, उसके घर वालों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, तो जाता क्यों नहीं है? यार तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। अक्षय मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तू जाके उसे मिल। और सुन, जरा बंठन के जाना। यार वो काला सूट पहन के जा रहा हूँ, वो काले जूते पहन के जाऊँ तेरे? जूते चाहिए और भी कुछ चाहिए? जूतों से एडजस्ट कर लूंगा मैं। चल भाई डूड, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अच्छा भाभी, उसके आने तक सब कुछ तैयार हो जाएगा ना? व्हाट यू मीन? तुमको मेरे पे फेथ नहीं है? एवरीथिंग इज रेडी। हो लो, वो आ भी गया। और भैया अभी तक रेडी भी नहीं हुए। हो जाएंगे। हाय शिल्पा। हाय, कम। ये कौन है? भाभी। आह भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठे। अभी बैठिए ना। He is very handsome and nice. कुछ लीजिए ना। Oh yeah. भैया, भैया, आइए ना, अक्षय आ गया। Coming, coming. तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? Get out from here. What happened? You keep quiet. Keep quiet. Sir, sir, I'm sorry, sir. उस दिन गलती से? गलती से? आप दोनों पहले मिल चुके हैं? अरे मिल क्या चुके हैं? अच्छी तरह एक दूसरे को देख भी चुके हैं। ये निहायत ही बदतमीज और मगरूर इंसान है। सर एक बार मुझे कहने का मौका तो दीजिए। अब कुछ रह गया है कहने के लिए? सर उस रात गलती से। भैया आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसकी बात तो सुन लीजिए। अरे सुन चुका हूँ, एक नंबर का शराबी आदमी है और मुझे शराबी आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। चलो यहाँ से। लेकिन भैया देखो, अब बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं, चलो। और ये तुम्हारी पसंद हो सकता, मेरी नहीं। चल निकलो यहाँ से। और सुनो, आइंदा इस घर का रुख कभी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहब चल 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 निकल। हेलो राहुल, कैसे हो तुम? नेहा, तुम्हें बहुत चोट आई है ना? काश तुम उस चोट को महसूस कर पाती जो मेरे दिल में लगी है। मैं जानती हूँ राहुल, मगर मैं भी क्या करूँ, तेरी भी मजबूरी है। नेहा नेहा, ऐसी भी क्या मजबूरी है, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ ना तुम। Please tell me यार, please. Hello, hello. Damn it. What happened to the music, my man? You girls having a good time? Yeah. Yeah? Yeah.
Come on, love. Enjoy yourself, yeah? Come on. You all right, love? Yeah? Smile a little bit more, yeah? Come on, let's party, yeah? What? No moves from you? Yeah? Whoa! Wow! Come to daddy, girls. Hi, my beauties. Come here. You. You're my special one. So you call. It's very important. Hello. Nahi. तुम उनको मेरे बार में लेके आना। I will be coming there. Get them! नमस्ते नमस्ते आइए आइए। Well. तेरी तो निकल पड़ी भाई। Please keep it brief here. Shilpa. Hi Neha. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, Neha doll. Hi, Spencer. How are you, hey. Brother? Hi, Ponty. Nice to see you. Hey, tera guardian kya hame jhandu samajhta hai kya? Let's go. Come on. Yeah. Ponty, welcome. Main janta tha ki tum zarur aoge. Tum to jante ho, my friend. Ponty Chadda jab bhi vaada karta hai, usse pura karta hai. चाहे जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े राइट तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है यार माय ब्रदर ओके बिफोर आई फॉरगेट ब्रीफकेस ये रहा तुम्हारा बैलेंस पेमेंट 2 लाख पाउंड्स अरे चेक तो कर लेते तुमने कह दिया तो हमने मान लिया वैसे भी हमारे बिजनेस में तो जुबान ही चलती है ना तुमने ये पेमेंट इतनी जल्दी क्यों दे दी नो ब्रदर बिजनेस में जितना क्लियर रह जाए रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होता है राइट बाय द वे आज बर्थडे किसका है नेहा इनसे मिलिए ये हमारे यार हैं दोस्त हैं बिजनेस पार्टनर मिस्टर पोंटी चड्डा एंड दिस इज नेहा माय डॉल about the girl? Oh. What a beauty, man. Happy birthday, Neha. Thank you. Neha, hamare is special mehman ke liye ek special drink ho jaye. Sure. Waiter? Yeah. Thank you. Cheers. 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 शराब और शबाब एक साथ, my God, नशा दुगना हो जाएगा. Excuse me. क्या सोच रहे हो, पॉन्टी? कुछ नहीं यार. स्पेंसर, इस हीरे को तो तुम्हारे खजाने में कभी नहीं देखा पहले. हमारे खजाने में तो ऐसे कई हीरे हैं. लेकिन ये कोहिनूर है? हाँ, लेकिन नायाब है. Oh yeah. Nice party, Neha. Yeah. Come, sweetheart. Cut the cake. Come on, everyone's waiting. Happy birthday to you. Happy birthday. अच्छा मौका है कह दिया अपने दिल की बात सबके सामने इस बार मार मैं ही खा लूंगा यार
मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में, मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में खो गया दिल मेरा, खो गया एक पल में यूं ही बात बात में, एक पल में यूं ही बात बात में हो गया दिल तेरा, हो गया मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में। तेरी बाहों में मुझे जीना है, तेरे लिए है मेरी ये सांसें, तेरी बाहों में मुझे जीना है। रोकेगा मुझको जमाना क्या, तेरी आंखों से मुझे पीना है। कुछ हो गया दिल मेरा, खो मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में। किया ना होगा किसी आशिक ने प्यार में काम ऐसा कर दूंगा, किया ना होगा किसी आशिक ने प्यार में काम ऐसा कर दूंगा। चुन चुन के कांटे तेरी राहों के, दामन में तेरे फूल भर दूंगा। कुछ हो गया दिल मेरा, खो मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में, मुख्तसर सी एक हसी मुलाकात में खो गया दिल मेरा, खो गया, खो गया दिल तेरा। मैं भी। तुम इतनी डरी डरी से क्यों रहती हो? मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकती राहुल, कुछ नहीं। गाना बहुत अच्छा गाते हो, इंडियंस हो ना? Yeah, I love Indians, love them. Thanks a lot, sir. चलो खाना खाते, चलो चलो चलो। Get out. Get out! चल भाई, ये चलो घर जाके खाना खाते हैं लाल मिर्च के साथ। Come, sweetheart. Come. तुम उस लड़के को अपने ख्याल से निकाल दो। तुम्हारे थप्पड़ की गूंज यहां तक सुनाई पड़ी, उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती क्यों? That is my personal problem. खैर, काम की बात करो। क्या फैसला किया तुमने? क्या तुम अपना सी बीच विला मुझे बेचने के लिए तैयार हो? I know.
उस बंगले से तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए एक मुद्दत से तुम्हारी निगाह उस पर है। राइट राइट दाम बोलो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। ओके, 2 million pounds प्लस। प्लस? व्हाट प्लस? वो कोहिनूर जो नायाब है, नेहा। नेहा? अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जुबान काट डालता। ए, नाराज क्यों होता है? मैंने ऐसी कौन सी चीज मांग ली जो तू मुझे दे नहीं सकता? सोने का बंगला पैनी के भाव दे रहा हूं, समझा? इस विला के लिए तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। क्या सोच रहा है दोस्त? डन, नेहा तुम्हारी हो गई। That's like a good boy. लेकिन नेहा तुम्हारे पास तब आएगी जब बंगले के कागजात तुम मेरे हवाले करोगे। ओके, मैं पेपर्स रेडी करता हूं, तुम पेमेंट का इंतजाम करो। ओके डन, तब तक तुम्हारी अमानत नेहा मेरे पास रहेगी। डन। अरे नेहा का मैसेज है, वो मुझसे मिलना चाहती है कल अकेले में। ओके, हाँ मैं मॉल में हूँ। हेलो, यस, ओके, आई एम जस्ट कमिंग। अरे शिल्पा, नेहा तुमने मुझे बुलाया था ना, क्या हुआ बोलो? हाँ बुलाया था। हाँ? लेकिन अब यहाँ पर तो भी क्या? आ गया। अब चल चल कहीं चलते। अच्छा चलो आओ। किडनैपिंग वाला किस्सा मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उसके अंकल 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ। और तुम दोनों वहां जाकर नेहा की मदद से उसे किडनैप करो। नेहा किधर है रे? कौन है तुम? मैं अक्षय बॉन्ड और ये राहुल रैम्बो। क्या करता है? साइड में आना, कांच वाच टूटेगा। बहुत महंगा है। रेडी तो होने दे यार। कितनी बार करेगा, डर जाता हूँ। एक दो चार डेढ़ एक दो तीन कौन है तुम लोग? अबे पहले तू बता गंजे तू कौन है? विल्सन। विल्सन? अच्छा अच्छा नाम है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? ऐसे ही टहलते आ गए। टहलते आए? अबे ये तो बहुत अबे गंजे। विल्सन को छोड़ दो। क्या
छोड़ दो। अबे टकले चुप रह, चल जल्दी जल्दी रस्सी निकाल, पकड़ 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 पकड़, छोड़ दो। अबे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। हाँ अबे सीख गया, स्कूल में ढंग से पढ़ाई की होती तो तू जा, नेहा को ले जा। स्कूल में ढंग से पढ़ाई की होती तो ये सब नहीं होता। हे तुम्हारा साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा है, ऐसे बंदा ना क्या करता है? थैंक यू। अरे गंजे, इसे हम उठा के लेके जा रहे हैं, अपने बॉस को बोल देना इसके बदले में कितना पैसा चाहिए, हम फोन करके बता देंगे। समझा क्या? चल रही। नेहा, तुम्हारे प्लान के मुताबिक ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था यार। हाँ यार, ये नेक्स्ट क्रॉसिंग पे शिल्पा हमें मिल रही है। ए, तेरे झंडू का खटारा वहीं छोड़ देते क्या? अरे नेहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नेहा, अरे क्या बेहोशी का नाटक कर रही है यार? नेहा, 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 यार गाड़ी साइड में लगा, गाड़ी साइड में लगा। अब क्या हुआ यार? नेहा, 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 हेलो 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 बेबी हेलो। ये तो बेहोश है, लगता है इसकी तबीयत खराब है। कैन आई हेल्प यू? नो ऑफिसर, विल मैनेज। मैं ट्राई करता हूँ सर। ए चल हो गई। ए कमन कमन कमन, लेट्स मूव। थैंक यू सर। ए बुरा मन करे। एक मिनट, एक मिनट, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना मुझे फोन करना। या श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सर। क्या करे यार, वो इंस्पेक्टर तो मुझे पहचानता है। वो मुझे भी पहचानता है, वो शिल्पा का भाई है। What? हाँ यार, यार यार एक काम कर यार, पहले से होश में ले और हम गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। मैं शिल्पा को फोन करता हूँ, वो यहाँ के हमें हमें ले जाएगी। तो ठीक बोलता यार। अच्छा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ यार? गाड़ी रोक ना, साइड में लगा रहे। अच्छे हाँ। तो एक काम कर, तू जाके पानी लेके आ, मैं हाँ। डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ओके या राहुल रुक, रुक राहुल, लाओ भाई जल्दी करो। एक मिनट। हेलो मिस्टर ग्रेवाल, रॉक हियर। यस रॉक, मैं GM4 हाईवे पे गया था, वहाँ एक कार ब्लास्ट कर दी गई है। कार का नंबर है V373GMR। आई एम रिपीटिंग द नंबर। ओके V373GMR। ये तो वही कार है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। कार में से लाश मिली? कार इज फुली डैमेज्ड सर। ओह, मिस्टर रॉक, आप ऐसा करें कि ये पता लगाएं कि कार का मालिक कौन है। Okay, sir. I will do that. पहले उस लड़की को हमने किडनैप किया, उसके बाद हाईवे पे पुलिस ने हमें देख लिया, और बाद में गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अक्षय, अक्षय,
कहीं ये सारी प्लानिंग नेहा के गार्डियन की तो नहीं है? कहीं उसी ने तो गाड़ी ब्लास्ट नहीं करवाई? जरा सोच, अगर उस गाड़ी में हम कुछ देर और होते तो डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ रात गुजारनी होती। अच्छा होता मैं भी नेहा के साथ मर जाता। बस यार बहुत हो गई तेरी दीवानगी, मर जाता ये हो जाता। अब सोच यार यहां से कैसे बाहर निकले हम। पहले हमें शिल्पा को फोन करना होगा, शी विल गाइड अस। या चुरप, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी? हाँ। ओके। शिल्पा। हाँ भैया। इधर आओ। क्या हुआ भैया? ये बताओ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई कजन सिस्टर है? नहीं, आई मीन मुझे नहीं पता। हाँ, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ और किसके साथ रहता है? नहीं। देखो शिल्पा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना तो बहुत बड़ी भूल कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ मिलकर एक लड़की का मर्डर कर दिया है। क्या? हाँ, और पुलिस का ऐसा सोचना है कि उन्होंने उस लड़की की कार चुराई थी और उसे बेहोश करके ले जा रहे थे। इत्तेफाक से मैं उन्हें मिल गया और उन्होंने बताया कि ये लड़की उनकी कजिन है। कजिन? कजिन का मर्डर क्यों करेगा? वो लड़की उनकी कजिन थी नहीं, क्योंकि मैंने लड़की को देख लिया था, इसलिए उन्होंने कार को ब्लास्ट करके सारे सबूत खत्म कर दिए। अगर वो लड़की जिंदा होती तो उनके खिलाफ सबूत देती। भैया आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, वो दोनों ऐसा कर ही नहीं सकते। शिल्पा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुजरिम वही होते हैं जो फरार होते हैं। बॉबी गरेवाल की गिरफ्त में आ गया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो 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 208-93-55610। शिल्पा का भाई है फोन पर। देखो शिल्पा, वो तुमसे जरूर कांटेक्ट करेगा। तुम उन्हें यही एडवाइस देना कि अपने आप को वो कानून के हवाले कर दे, वरना उनका बहुत बुरा हश्र होगा। हेलो हेलो रॉक हियर। या रॉक, इट्स मी। यस सर। या कुड यू प्लीज ट्रेस डाउन वन नंबर? श्योर सर। या इट्स 208 935-5610. Yeah, the exact location. Sir. Yeah. And close down all the roads leading to this place. Right, sir. वाह, जॉनी इंग्लैंडिया के चेहरे पे दो मोटे मोटे लाफे मार के चले गए, दोनों मेड इन इंडिया। इतना बड़ा कारनामा, नो डिस्कशन, नो मीटिंग, नो मशवरा। फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे दोनों हीरो भी, शॉर्ट एंड स्वीट। जॉनी भाई, जो होना था वो तो हो चुका है, अब ये सोचो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सोचो, सोचने के लिए दिमाग चाहिए और इस दिमाग का बल बिल्कुल फ्यूज हो चुका है। चिंता मत करो, सोचता हूँ कैसे निकालो इन दोनों को इस मौत के ट्रैप से, शॉर्ट एंड स्वीट। विल्सन विल्सन विल्सन, माय मोस्ट ट्रस्टेड एंड ब्रेव मैन। क्या हुआ, चुप क्यों हो? सॉरी सर, उन दोनों ने हमको रस्सी से बांधकर नेहा को भगा कर ले गए। एनीवे, वो दोनों इतने बड़े जादूगर तो नहीं कि नेहा को पिंजरे में रख सके। सॉरी सर। विल्सन, उन दोनों ने मेरी आंखों से सपना चुराया है, तुम जानते हो ना मैं उनका क्या हश्र करूंगा। आई वांट नेहा, गो एंड फाइंड देम। मुझे नेहा किसी भी कीमत में चाहिए।
रेत के घरोंदे की तरह एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। एक महान हस्ती ने सच कहा था, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, न सोचे न समझे अग में कूद पड़ता है। यार पूरी रात गुजर गई, कैंडी भी हमें घर में ढूंढ रही होगी। हाँ यार, इसका एक ही रास्ता है, यहाँ से कबूतर हो जाते हैं। कबूतर यहाँ से कल्टी मारते हैं। कैसे? वो एक मेरा ड्राइवर ने मेरे लिए बाइक रखी है, मैं अभी आता हूँ। अबे बाइक चोरी करेगा? मैं चोरी करता हूँ, तू देख मैं कैसे चोरी करता हूँ, चल। अबे व्हाट अ मशीन मैन, चल उठा, बैठ जा जल्दी, बैठ 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 बैठ, अबे चल 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 चल, आ गया मोर, आ गया, चल। हे टच माय बाइक, टच माय बाइक, समबडी स्टॉप देम, दे स्टोलन माय बाइक। हे व्हाट हैपेंड, दे टुक अवे माय बाइक, टू मैन, दे टुक अवे माय बाइक। ओके डोंट वरी, आई विल टेक केयर। Control room. Hello. Move left, move left, move left. Control. भाई यहाँ छोड़ दे, भाग यहाँ से, चल भाग 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 भाग। Hey, stop, stop the car. चल अक्षय अंदर घुस। रॉक? यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। या वो जो गाड़ी में दो लड़के थे ना? यस सर। वो जिंदा है। व्हाट? हाँ किसी की मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे थे। ओह। मैंने उन्हें चेस किया मगर वो बच निकले। डू यू नो देम सर? मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। डू यू हैव एनी आइडेंटिटी सर? हाँ हाँ मैंने अपने लाइटर कैमरा से उनकी तस्वीरें भी खींची हुई हैं जो मेरे ड्रॉअर में हैं। आई जस्ट चेक सर। हाँ चेक कर लो। ओके सर। और सुनो वो शायद तुम्हारे इलाके की तरफ आए हैं, एंड दे शुड बी अरेस्टेड सून। ओके सर, आई विल डू दैट। लाल लाल हूँ तुम भी आया
लंदन के जिस कोने में भी छुपे हैं तुम उन्हें ढूंढ निकालो। ओके सर। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा तुम उसे करो, समझे? यस सर। सर। कम पॉन्टिका, तुम जाओ। ये रहे बंगलों के पेपर्स। नाउ गिव मी माय मनी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पोर्सन इंडस्ट्रीज। Come fast, come fast. Yes, sir. Oh, my God. Okay, be there at 4:30. Bye. Harok. मैंने तुम्हें बंगले और गाड़ी के मालिक के बारे में पता करने के लिए कहा था। क्या हुआ? सर, कार और बंगले का मालिक एक ही आदमी था, मिस्टर विल्सन। था? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं उस आदमी का पीछा करते हुए एक पुरानी मिल वॉटसन इंडस्ट्री में गया जहां मुझे उसकी लाश मिली। मामला बड़ा गंभीर लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन लड़कों के पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग हो। तुम ऐसा करो कि उन दोनों लड़कों पर नजर रखो और उनके बारे में जो भी जानकारी मिले मुझे फौरन बताओ। नाउ यू कैन गो। राइट सर। उफ,
मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम उन दोनों की मदद क्यों करना चाहती हो। शिल्पा, तुम ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो कि अक्षय और उसका साथी दोनों क्रिमिनल है, और एक पुलिस ऑफिसर की बहन होने के नाते तुम्हारा किसी मुजरिम के साथ हमदर्दी करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ कहां रहते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है, देखो मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ भी मुझे वही सुलूक करना पड़ेगा जो एक मुजरिम के साथ होता है। बताओ, मैं कहता हूँ बताओ। बताती हूँ। यस ऑफिसर। अक्षय और राहुल आपके पेइंग गेस्ट हैं? जी हाँ। कहाँ है वो? इस वक्त वो घर नहीं है। उनका कमरा कहाँ है? ऊपर। लेकिन मैं कह रही हूँ इस वक्त वो। आई नो दैट, मेरे पास सर्च वारंट है। तुम पब में डांस करती हो ना? जी हाँ, और जहां तक मैं जानती हूँ पब में डांस करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, वाकई डांस करना कोई क्राइम नहीं है, मगर किसी की भागने में मदद करना जरूर क्राइम है। I got the passport, sir. हाँ, जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए हाजिर हो जाना। जब आप कहें। And don't hide any information about the criminals, because it's a crime. Understand? Yes. Bye. Bye. अरे यार राहुल, यार संभल कर, पुलिस हमें ढूंढ रही है। अरे क्या संभल कर यार, मेरी बात मान, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, सारे गुनाह मैं अपने सर ले लेता हूँ। Excellent. अरे पागल हो गया है क्या तू? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। कौन है ये लोग? पता नहीं यार, लेकिन इरादे तो ठीक नहीं लगते। कल्टी मार। स्टॉप स्टॉप। अबे मार मत यार, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। Don't worry dudes, Johnny Englandia अब खेलेगा इनके साथ Dandia. ये तो अच्छा है कि मैं टाइम पर आ गया, वरना तुम दोनों हो जाते अभी शॉर्ट एंड स्वीट। अबे कौन थे ये लोग? पता नहीं, हमारे पीछे पड़े थे। एक तरफ पुलिस पीछे पड़ी है और एक तरफ ये गुंडे। कहां फंस गए यार? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, विल टॉक लेटर। चलो बैठो, जल्दी बैठो। क्या हुआ उन दोनों लड़कों का? I'm sorry sir, we could not get them here sir. हम उन दोनों को नहीं पकड़ सके। You coward! You know I don't like defeat.
मुझे हारा हुआ आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। विक्ट्री विक्ट्री मेरी आदत बन चुकी है। एंड यू यू हैव शेम्ड मी। आई नो सर। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक पल का फासला होता है, इन लाइफ एंड इन डेथ। सिर्फ एक पल का फासला। ओनली वन सेकेंड, वन सेकेंड। And now, if you want to live, मुझे वो दोनों लड़के चाहिए यहां। Now go and get them. Get out. Get out! ये फैक्ट्री मेरे दोस्त की है, काफी दिनों से बंद है। तुम दोनों के लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या हम यहाँ रहेंगे? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, क्वीन एलिजाबेथ को फोन करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि अपने महल में से प्रिंस चार्ल्स को बाहर निकाले और उसकी जगह तुम दोनों को उसके महल में रख ले, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ यार, हो सकता है। अबे यार जॉनी, तुम हमारे लिए इतना सब हट काम। इडियट, आओ आओ, दरवाजा बंद कर लो प्लीज। आओ आओ। अरे यार जॉनी, यहाँ कब तक रहना पड़ेगा यार? जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल जाता तब तक। देखो, ना तो यहाँ किसी पुलिस की टेंशन है ना किसी गुंडे की। जॉनी हमें बचा ले, तेरे पास तो हर मर्ज की दवा है। यार जॉनी, लंदन में क्या करने के लिए आए थे और क्या हो गया यार? हाँ। नहीं रहना मुझे लंदन में, जाना है दादे के पास। कम ऑन, अरे यू गाइस आर गुड डूड्स मैन, कुछ नहीं होगा, मैं पूरी ट्राई करूंगा। लेकिन मेरी तुम लोगों से एक विनती है कि जब तक मैं वापस नहीं आता ना, तुम लोग यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। इस बैग के अंदर तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े हैं। ए डोंट वरी, डोंट वरी, जल्दी आ रहा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। हेलो परमिंदर, मैं गायत्री आंटी बोल रही हूँ इंडिया से। कैसी हैं आप? मैं तो बेटा ठीक हूँ, पर मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चों का कोई फोन नहीं आया बहुत दिनों से, कहाँ हैं वो दोनों? वो बच्चे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ स्कॉटलैंड गए हैं, जल्दी आ जाएंगे दो चार दिनों में। तो क्या वहाँ से फोन नहीं कर सकते हैं? वहाँ क्या है, मौसम खराब रहता है, लाइनें डाउन रहती हैं। आप फिक्र मत कीजिए। कैसे नहीं फिक्र करूं, उन दोनों में तो मेरी जान अटकी रहती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो दोनों जैसे आएंगे मैं आपकी बात जरूर करवाऊंगी। देख, मेरे बच्चे तेरे पास मेरी अमानत है, तुम्हारी जिम्मेदारी। ओफो आंटी, आप बेफजूल इतनी परेशान हो रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ ना, आप बेफिक्र रहिए, उनसे कांटेक्ट करके मैं उनकी आपसे बात करा देती हूँ। जल्दी करना, जाने क्यों, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ओके आंटी। ओके बेटा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आन खाता मौ से भई, जो तुम ये दुख दीनी, मैं तड़पू ऐसे है साजन जैसे जल बिन मीनी। दो दिल की चाहत, धड़कन की राहत, खुद से है बगावत, ये तो है इबादत। इश्क मोहब्बत प्यार है क्या, नाम खुदा का और क्या।
तो मिट गई प्रेम अगन में, मैं तो मिट गई प्रेम अगन में, हो गई उसी की लागी लगन मोह पीकी, सखी ली ना ही खबर अब किसी की, लागी लागी लगन मोह पीकी, सखी ली ना ही खबर अब किसी की। माँ जी, पिछले दो हफ्तों से उन्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई बात ही नहीं हो पा रही। आपके पास इसीलिए आया था कि शायद आपकी कोई बात हुई हो उनसे। नहीं बेटा, मुझसे भी कोई बात नहीं हुई, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ कि आखिर बात क्या है। हेलो दादी माँ, उनका ही फोन है। अच्छा, कैसी हैं आप? तू कैसा है बेटे? वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो गया ना। अरे ऐसी भी क्या पढ़ाई कि अपनी दादी को ही भूल गया? मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? अरे तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हेलो दादी, दादी मैं राहुल। वो यहाँ सर्दी बहुत है ना, इसीलिए अक्षय का गला खराब है। ओए बच्चे, उसे ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखाना। क्या हुआ माँ जी? तेरा लाडला है, सर्दी से परेशान है बेचारा, ले बात करना। जी। हेलो बेटे, कैसा है तू? पापा की याद नहीं आती क्या? परमिंदर क्या, मैंने कितनी बार फोन मिलाया बेटा? वो घर का फोन खराब है पापा, और एग्जाम भी सर पर है ना, इसीलिए हमने मोबाइल ऑफ रखा है। अच्छा अच्छा बेटा, इसका मतलब है पढ़ाई जोरों से हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय। अच्छा चल। यार पता नहीं यार, जॉनी कहाँ है यार? वहां से तो निकल पड़े हैं। Where are those two boys? वो दो लॉन्डर कहाँ हैं? उनको मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। लेके आए। धक्का मत मार यार। क्या है? कम ऑन। अरे यू रास्कल, क्या इंडियंस के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? अरे दे आर लाइक माई ब्रदर्स, दे आर इंडियंस, इंडियंस। सॉरी सॉरी हाँ, मेरे आदमी कभी कभी अपनी जगह भूल जाते हैं, सॉरी। लेकिन सर, हम लोगों को यहां क्यों लेके आए? तुम दोनों को वाकई में नहीं मालूम? नहीं। हाँ प्लीज टेल मी, नेहा कहाँ है? नेहा तो मर चुकी है। अबे ओ मजनू की 20वीं एडिशन, मैं नहीं मानता कि नेहा उस ब्लास्ट में मर गई। अब तुम बताओ कि तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा के रखा है? भाई साहब, हम जेन्युइनली कहते हैं सर, नेहा मर चुकी है। अरे तुमने तो मारा उसे। शट अप। तुम लोग उसे वहां से ले गए थे, अब तुम ही लोग उसे वही वापस लेकर आओगे, और वो भी 48 घंटे में, समझे? अरे भाई, 48 घंटे में। अरे भाई मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर 48 घंटे में नेहा वहां नहीं पहुंचाई गई तो तुम दोनों लंदन की सड़कों में लावारिस कुत्तों की तरह मारे जाओगे, समझे?
Your time starts now. Take them away. अरे भाई साहब ऊपर से कहां से ले? Get out! अबे हाथ तो दे यार। अरे बाप रे। यार ये झंडू तो पूरा साइकिक है यार। अबे कहां से लेके आऊं ऊपर से यार? वो भी 48 घंटे में? काश ऐसा हो सकता। अबे यार तेरा ऊपर का कंपार्टमेंट खाली का खाली है। अबे खजूर, दो सेंट वाला आ गया रे बाप। स्टॉप, डोंट मूव। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। बॉबी गरवाल नाम है मेरा और कोई मुझे मुझसे भाग नहीं सकता। तुम लोगों ने एक लड़की का किडनैप किया और उसका मर्डर किया। विल्फ्रेड डिसूजा की मोटरबाइक चोरी की है और विल्सन का कत्ल किया। मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। ये सब झूठ है। चलो मूव, गाड़ी में बैठो। हेलो हेलो, यस सर, यस, ओके सर, ओके। पुअर चैप, अरे कहां तक भागोगे? ए राहुल, यार कहां जा रहे हैं यार? मुझे भी नहीं पता, पर इतना जानता हूं कि मुझे पापा के पास जाना है। साले पासपोर्ट्स भी नहीं अपने पास। पढ़ाई करने के लिए आए थे, कहां फंस गए यार? यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने प्यार जो किया था। छोड़ यार, हुआ सो हुआ, अब ये सोच यहां से हम निकले कैसे। यार यहां से हमें एक ही आदमी निकाल सकता है। कौन? अपना जॉनी यार। हाँ यार, मैं भी फोन करता हूं। हेलो। हाँ जॉनी, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय, तुम लोग हो कहाँ? मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। वहां से निकलने की क्या जरूरत थी? वो दादी की याद आई थी इसलिए। ओके, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं तुम्हें इंडिया पहुंचा दूंगा, ये जॉनी का वादा है। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे जॉनी भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, भाई। अरे अल्लाह कसम यार, तुम तो ईद के चांद हो गए। खैर तुम्हारी तो शक्ल नहीं भूल गया मैं। सॉरी सॉरी खान साहब, बस ऐसे काम के मसले में फंसा रहा मैं। शॉर्ट एंड स्वीट। हमारी याद कैसे आई जॉनी भाई? खान साहब, आज हम आपकी फ्रेंडशिप आजमाने आए हैं। शॉर्ट एंड स्वीट। अरे कैसी बात करते हो जॉनी भाई, अल्लाह कसम तुम्हारे लिए तो इस पठान की जान भी हाजिर है। अरे बोलो क्या बात है? खान साहब, हमारे दो दोस्तों को बॉर्डर क्रॉस करवाना है। पासपोर्ट है उनके पास? कुछ भी नहीं है। जॉनी भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, पर उधर पाउंड बहुत लगता है और वो तो देना ही पड़ेगा। कितना? कम से कम 10,000 pounds। दिया, दोस्तों के लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। शॉर्ट एंड स्वीट। कोचे, समझो तुम्हारा काम हुआ। उनको लेके बॉर्डर तक कैसे पहुंचना है मैं बाद में बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो शिल्पा, जॉनी बोल रहा हूँ। तुमको अक्षय रॉल से मिलना है ना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। शॉर्ट एंड स्वीट। एंड लिसन, I'll come and pick you up. Okay. हाँ। और कितना दूर चलना पड़ेगा यार? चल बैठते हैं। यार जॉनी के आदमियों ने तो हमें यहाँ छोड़ दिया, लेकिन जॉनी कहाँ है? आ जाएगा यार,
मैं तो यह सोच रहा हूँ कि यहाँ से आयरलैंड का बॉर्डर कितना दूर होगा। 5 miles. 5 miles. इस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमारे जैसे और भी कुछ लोग होंगे? शायद होंगे। लगता है जॉनी आ गया। हाँ यार। यार काम। या काम। अक्षय, नेहा। पागल ले गए यार। नेहा तो मर चुकी। नहीं यार, वो नेहा है। अरे नहीं यार, नेहा। 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 वो नेहा है। अरे नहीं, वो यार। राहुल। अक्षय, शिल्पा। अक्षय, अक्षय, जॉनी, अक्षय, जॉनी, नेहा जिंदा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने और राहुल ने उसे देखा। राहुल उसी के पीछे भागा। There is something wrong somewhere. आओ मेरे साथ, जल्दी। चलो शिल्पा। नेहा, नेहा, रुक जाओ नेहा। Okay. अभी जान की किसे परवाह नेहा? तुमने तो हमें जीते जी मार डाला। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मरने का नाटक किया तुमने। राहुल, राहुल, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी, मगर मगर मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मेरे विश्वास का गला घोटा है। तुम्हारी वजह से हम कहीं के नहीं रहे। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पेंशन के गुंडे, हमारा करियर बर्बाद कर दिया। कौन हो तुम? हाँ, क्या है तुम्हारी हकीकत? बताओ। राहुल, तुम जो चाहे कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच जाने के बाद तुम मेरे साथ जरूर इंसाफ करोगे। क्या है सच्चाई? मैं एक जिंदा लाश हूँ। स्पेंसर ने कभी मुझे जीने ही नहीं दिया। स्पेंसर मेरा कोई नहीं है राहुल। उसने मुझे और सुसी को नौकरी दिलाने के बहाने इंडिया से लंदन ले आया। यहाँ पर लाकर हमें ड्रग्स पेडलिंग के घिनौने धंधे में झोंक दिया। राहुल, मेरी आत्मा मुझे ये काम करने से धिक्कारती थी। मैं इस जाल से निकलना चाहती थी, लेकिन एक दिन पापा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं अब ड्रग पेडलिंग का काम नहीं कर सकती। स्वीट हार्ट, मेरी दुनिया में आने का रास्ता है One way street. अगर कोई मेरी दुनिया से एग्जिट करना चाहता है तो मैं उसे इस दुनिया से परमानेंटली एग्जिट कर देता हूं। सुजी की दर्दनाक मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट गई। उसी दौरान शिल्पा से मेरी दोस्ती हुई और तुम मुझे मिले। तुम्हारा प्यार क्या मिला, मुझे जिंदगी मिल गई। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती थी और जीने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। मैं चाहती थी कि स्पेंसर मुझे भूल जाए। इसीलिए जब हाईवे पर तुम दोनों मुझे बेहोश समझकर बाहर गए, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि तुम दोनों वहां पर नहीं। मैं चुपचाप कार से उतर गई। मैंने कार में पहले से ही टाइम बॉम्ब सेट कर रखा था, जिसे थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने रिमोट से उड़ा दिया। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी कि सच जाने के बाद न जाने तुम किस तरह से रिएक्ट करते।
मैंने सोचा था मेरा प्लान कामयाब हो जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करके कहीं बुला लेती और फिर हम दोनों अपने देश वापस लौट जाते। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद किस्मत ने हमें यहाँ मिलाना था। हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, वादा करो। प्रेम तो है एक अग्नि सागर, डूबी जिसमें जवानी। आग हो आंधी हो या तूफान, क्या देखे दीवानी। फिर मारा मारा होके बन जा रहा, कहलाए बेचारा फिर भी है किनारा। मैं तो जाऊं पिया पे बलिहारी हो गई उसी। क्यों, तेरे को बोला था ना कि तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। लुक, स्पेंसर तेरे सामने खड़ा है, तेरे 48 घंटे खत्म हो गए। ला लड़की, ला। नेहा को छोड़ के को कुछ नहीं होना चाहिए। स्पेंसर, किससे छुप रही हो? यहां डरना मना है। वो कमीना शिल्पा को मार देगा। बाहर निकलते हो नहीं तो। वहां कहां जा रहा है?
तू कड़ी मार यहां से। बड़ी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिला है। अक्षय, वो बड़ा कमीना है, अगर मैं नेहा को बाहर नहीं ले गया तेरी शिल्पा को मार देगा यार। मैं हूं ना यार, करता हूं कुछ 1, 2 का 4। तू एक काम कर, तू जा, आई हैंडल इट। बहुत हो गया तेरा नाटक, चला आ, बहुत सह लिया तेरा नाटक, अब आ। सर, नेहा मेरी है, इसे मेरे हवाले कर दे, ला। स्पेंसर, नेहा मेरी है। ऑल राइट, नेहा तुम्हारी अमानत है, ले जा। That's like a goodbye. Come on, darling. साथ दिखा दी ना साले कुत्ते, पीछे से वार कर। क्या कर दिया तूने? Come on Johnny, Johnny, come on Johnny, come on Johnny, Johnny. What done? Done Johnny? Johnny, what done? Not done Johnny, not done. What Johnny? Not done. All done.
अब तुम दोनों इंडिया जा सकते हो। जॉनी, 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 आई एम सॉरी फॉर जॉनी। मैं तुम दोनों को कभी भी गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन मैं तुम दोनों के जरिए लंदन के सबसे बड़े ड्रग पेडलर स्पेंसर तक पहुंचना चाहता था। तुम दोनों बेकसूर हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों वापस जल्द इंडिया चले जाओ, लेकिन शिल्पा के साथ। यार वो दोनों नहीं आने वाली, फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। यार लेकिन नेहा और शिल्पा को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? हम उसे प्यार करते हैं यार। प्यार व्यार भूल जाओ यार। शुक्र कर लंदन पुलिस ने हमें बेगुनाह साबित कर दिया, नहीं तो सलाखों के पीछे खड़े होते और तू चक्की पिसिंग 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 और नेहा वाचिंग वाचिंग वाचिंग। इसका मतलब तू शिल्पा से प्यार नहीं करता? बड़े गाने गा रहा था रफ्ता रफ्ता रफ्ता, तुमसे प्यार हो गया है? अरे गाना वाना चलता है यार, दादी ने क्या कहा था याद है ना तुम्हें? नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, लड़की के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना। हाँ यार कहा तो था, था ना। चल फिर। चलो भाई चल ना। तू क्यों नहीं चल रहा है? तुम तो मुझे अपने दिल की गहराई से प्यार करते थे ना, तो फिर मुझे छोड़कर कैसे जा रहे थे? अरे नहीं मैं कहाँ जा रहा था, ये तो अक्षय जा रहा था। ये तो मैं नहीं जा रहा था, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। दादी ने क्या कहा था अक्षय? लड़कियों को धोखा देना प्यार का नाटक करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ए, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तूने तो कहा था वो नहीं आएंगे। चलो झूठ मत बोलना शिल्पा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, यकीन नहीं आता? ये देखो मैं तुम दोनों के लिए टिकट भी ले आया। हम तो मजा कर रहे थे। तो फिर चले अपने देश। बिल्कुल नजर में दिल निसार हो गया, पहली नजर में दिल निसार हो गया, रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया, रफ्ता 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 तुमसे प्यार हो गया।